हमारी नॉर्मल जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसके हिसाब से हम लोग क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि मैं इमोशंस कैप्चर करूंगा, मैं लोगों के जो चेहरे उसको कैप्चर करूंगा, नेचर को कैप्चर करूंगा, डेफिनेटली हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट फोटोग्राफी, सो वहाँ पे दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक जो एस्पेक्ट है दैट इज अ क्रिएटिव एस्पेक्ट, जो मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर में भी, क्योंकि अभी हमारा नया वर्कशॉप है, सो डेफिनेटली आई विल बी अगेन रिवाइज ऑल दोस थिंग्स फॉर अस। तो पहला जो एस्पेक्ट से जहाँ पर आप बोलते हो ना कि इमोशंस कैप्चर करने हैं मुझे, दैट इज योर क्रिएटिव एस्पेक्ट्स। मैं वेडिंग में जा रहा हूँ, वहाँ पर मैंने किसी पर्सन को देखा जो एक्चुअली उसके कुछ इमोशंस है वो एक्सप्रेस कर रहा है, मैंने उसको कैप्चर किया, सो मेरा क्रिएटिविटी वहाँ पर काम कर रहा है, मैं उसको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। बट देर इज अनदर सेकेंड एस्पेक्ट इन फोटोग्राफी विच इज अ टेक्निकल एस्पेक्ट्स। तो अगर टेक्निकल एस्पेक्ट की मैं आपसे बात करूँ तो हमारे पास कैमराज होते हैं, वी ऑल हैव राइट नाउ स्मार्टफोन्स, करेक्ट? जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो स्मार्टफोन में हमारे पास 3 से 4 कैमराज होते हैं। तो जो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि इन फोटोग्राफी वी हैव टू एस्पेक्ट्स, फर्स्ट वन दैट इज योर क्रिएटिव एस्पेक्ट, सेकंड वन दैट इज योर टेक्निकल एस्पेक्ट्स। क्रिएटिव एस्पेक्ट में आप क्या क्लिक करना चाहते हो, कैसे क्लिक करना है, कौन से टाइप की फोटोग्राफी आपको करनी है, वो सारा क्रिएटिविटी में आ गया। टेक्निकल एस्पेक्ट से जब मैं बात करता हूँ तो हम ये जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, जैसे अभी मोबाइल फोन में कैमराज अवेलेबल है हमारे पास, तो अब ये कितने लेंसेस से कोई मुझे बता सकता है? 3 से 4 अलग अलग लेंसेस होंगे जो हमारे स्मार्टफोन में दिए जाते हैं। वैसे ही अगर मैं लेकिन उसमें जो मेन कैमरा रहता उसमें लेंस रहती ना सर, बाकी तो कोई यूज ही नहीं होती। नहीं नहीं वहाँ पर लेंसेस अलग अलग होते हैं, लेकिन जैसे आप आपके मोड्स चेंज करते हो, कैमरा में अलग अलग टाइप के मोड्स होते हैं, तो जैसे आप मोड चेंज करते हो तो वो पर्टिकुलर लेंस शिफ्ट हो जाता है। डिपेंडिंग ऑन यू आर यूजिंग अ माइक्रो लेंस, देन अगर आप माइक्रो मोड यूज करोगे तो माइक्रो लेंस ऑटोमेटिक काम हो जाएगी। सो डेफिनेटली वी विल बी हैविंग अ क्वेश्चन आंसर सेशन, हमारे पूरे ये सेमिनार के बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखने वाले हैं जहाँ पर आपके सारे के सारे डाउट्स हम लोग सॉल्व करेंगे। बट अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, पहला जो एस्पेक्ट था, सेकंड एस्पेक्ट टेक्निकल। टेक्निकल में ये जो कैमरा है DSLR कैमरा जो हमारे मैक्सिमम लोगों के पास होगा, तो इसमें बहुत सारे चीज़ें होती है, लाइक बहुत सारे जो आपके टेक्निकलिटीज़ है कि मुझे फ़ोटो क्लिक करना है। जैसे अभी एक हमारे पार्टिसिपेंट ने भी बताया ISO, शटर स्पीड, वाइट बैलेंस, अपर्चर, बहुत सारे जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, तो वो क्या है, दैट इज अ टेक्निकल एस्पेक्ट। तो आज हम लोग जो टच करने वाले हैं वो टेक्निकल एस्पेक्ट का एक छोटा सा पार्ट, एंड जो क्रिएटिव है उसको हम लोग आफ्टर द सेशन वहां पे टच करेंगे।